दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फोन के ऐप्स को हाइड कर सकते हो, यानी आप अपने फोन के ऐप्स को कैसे छिपा सकते हो। क्योंकि दोस्तों काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनको हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, जिनको हम किसी को दिखाना नहीं चाहते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे फीचर के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप यूज करके आप अपने मोबाइल के किसी भी ऐप्स को हाइड कर सकते हो। चाहे आप किसी भी कंपनी का फोन यूज करते हो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, सैमसंग, वन प्लस, दोस्तों सभी फोन में आपको ये सेटिंग मिल जाएगा, फीचर मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना होगा। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फोन के ऐप्स को हाइड करना चाहते हो, छिपाना चाहते हो, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने फोन के ऐप्स को डायलर में हाइड कर सकते हो। ठीक है, आपके फोन में जितने भी ऐप्स हैं आप उनको फोन के डायलर में कैसे छिपा सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको अपने फोन के सेटिंग्स और फीचर्स को यूज करना है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप डायलर में एप्लीकेशन को छिपा सकते हो, अपने प्राइवेट एप्लीकेशन को आप डायलर में कैसे हाइड कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले फोन के सेटिंग्स को ओपन करना है। आपको सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी। ठीक है, आपको प्राइवेसी पर टैप करना है। अब दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा हाइड एप्स। ठीक है, ये जो सेटिंग है, ये जो फीचर है, ये सभी फोन में होता है। आपको सिर्फ सेटिंग में जाकर इस फीचर को सर्च करना है। दोस्तों अब आपको हाइड एप्स पर टैप करना है। ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। अब आपको यहां पर दो ऑप्शन मिलेगा, कैंसल सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स पर टैप करना है। अब आपको यहां पर एक 6 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट करना है। अगर आप पासवर्ड क्रिएट नहीं करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहां से पैटर्न भी सेट कर सकते हो, पिन भी सेट कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहां पर पासवर्ड डाल देते हैं, क्रिएट करते हैं, इसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपको यहां पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करना है, इन फ्यूचर अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हो तो। दोस्तों आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से अपने पासवर्ड को रिकवर कर पाओगे। ठीक है, इस तरह आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर डाल देना है। आंसर डालने के बाद आपको ओके पर टैप करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहां पर आपके फोन के सभी एप्लीकेशन शो हो जाएंगे। ठीक है, जिस एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हो आपको यहां से उस एप्लीकेशन को इनेबल कर देना है। जैसे हम व्हाट्सएप को हाइड करना चाहते हैं, हम व्हाट्सएप को छिपाना चाहते हैं, तो हम व्हाट्सएप को इनेबल करते हैं। जब आप इनेबल करोगे दोस्तों आपको सेटिंग पर टैप करके एक एक्सेस कोड क्रिएट करना है, जिससे आप अपने हिडन ऐप्स को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, आपको सेटिंग्स पर टैप करना है। अब दोस्तों आपको यहां पर एक्सेस कोड सेलेक्ट करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, आपको ऊपर एग्जांपल मिलेगा #4x0#, आपको इसी तरह का एक्सेस कोड क्रिएट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग और एंड में आपको हैज यूज करना है। सिंपली हम यहां पर एक्सेस कोड क्रिएट करते हैं #4x1#, इस तरह का आपको एक्सेस कोड क्रिएट करना है। ठीक है, इसके बाद आपको ओके पर टैप करना है। अब आपको 4 सेकेंड का वेट करना होगा। ठीक है, अब आपको डन पर टैप करना है। अब दोस्तों आप यहां से उन सभी एप्लीकेशन को इनेबल कर सकते हो जिनको आप छिपाना चाहते हो। ठीक है, हमने व्हाट्सएप को तो हाइड कर दिया है, हम यूट्यूब को हाइड कर देते हैं, इसके बाद अब हम इंस्टाग्राम को हाइड करते हैं, मैसेंजर को हाइड कर देते हैं, हमने फेसबुक को भी हाइड कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह आप इन सभी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो, छिपा सकते हो। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हो हमने सभी एप्लीकेशन को इनेबल कर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहां पर 2 डॉट पर टैप करना है, आपको सेटिंग्स को ओपन करना है। आप यहां से प्राइवेसी का पासवर्ड चेंज कर सकते हो, एक्सेस कोड को चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको अपने पासवर्ड को डालना है, जो पासवर्ड आपने स्टार्टिंग में क्रिएट किया है। ठीक है, जब आप पासवर्ड डालोगे आपको यहां पर काफी सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे। आप यहां से पासवर्ड को ऑफ कर सकते हो, चेंज पासवर्ड कर सकते हो, सिक्योरिटी क्वेश्चन आप फिर से सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इस तरह के आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने हिडन ऐप्स को एक्सेस करेंगे।
अब दोस्तों आप यहां पर होम स्क्रीन पर देख सकते हो, होम स्क्रीन पर देख सकते हो, ऐप में देख सकते हो, यहां पर ना तो इंस्टाग्राम शो हो रहा है, ना ही व्हाट्सअप शो हो रहा है, ना ही यूट्यूब शो हो रहा है, यानी हमने इन सभी एप्लीकेशन को हाइड कर दिया। ठीक है, अब आप हिडन ऐप्स को कैसे एक्सेस करोगे, इसके लिए आपको अपने फोन के डायलर में जाना है। डायलर में जाने के बाद आपको एक्सेस कोड को डायल करना है। ठीक है, अब आप यहां पर हिडन ऐप्स देख सकते हो, हमने जितने भी ऐप्स को हाइड किया था सभी ऐप्स डायलर में शो हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह बहुत ही आसानी से आप बहुत ही आसानी से अपने फोन के सभी ऐप्स को हाइड कर सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको हाइड ऐप्स सेटिंग को सर्च करने, आप वहां से अपने फोन के प्राइवेट एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो जिनको आप कभी किसी को दिखाना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप अपने फोन की एप्लीकेशन को सेफ और सिक्योर रख सकते हो। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।